हम लोग एक ही बिल्डिंग में प्रमोट कर रहे थे YRF में, और हम लोग जब भी क्रॉस करते थे एक दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल ही यूज टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास, आई यूज टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास, एंड वी यूज टू लिटरली जस्ट स्टिक आवरसेल्व्स ऑन द वॉल बिकॉज वी आर सो क्लोज येट सो फार. बट मेरे लिए खासकर जब इस वॉर मैंने साइन की थी, सिद्धार्थ सर नरेट कर रहे थे मुझे, और उन्होंने कहा कि यार इट्स अ डबल हीरो फिल्म एंड यू गोना बी ऑपोजिट ऋतिक रोशन. तो फॉर मी आई थॉट कि यार इस वॉर तो मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, क्योंकि मुझे एक मौका मिल रहा है मेरा हीरो के साथ काम करने को. सो आई एम लाइक व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर. टाइगर एंड ऋतिक, वन सीक्रेट अबाउट द अदर जो हम फाइनली मीडिया के सामने शेयर कर सकते हैं, एक ऐसी चीज जो टाइगर आपने ऋतिक के बारे में जाना थ्रू द मेकिंग ऑफ वॉर. ऋतिक सर का फेवरेट खाना समोसे है. He loves समोसा. वो सीक्रेट कहाँ रहा अभी? ऋतिक, खुली किताब है यार. यू ही इज गॉट, ही इज जस्ट एवरीथिंग ही फील्स इज ऑन हिज फेस. आई थिंक टाइगर्स यूएसपी इज के जो उसके अंदर जो हो रहा है दैट शोज ऑन हिज फेस. Which is why I feel that he is somebody who is going to grow into one of the biggest stars Indian film industry has ever seen. Tiger, आपने अपनी last film में कहा था कि दिन तेरा है साल मेरा होगा, and Ritik sir आपने भी कहा था कि सबसे लंबा छलांग हम ही लगाएंगे. So it seems that it has been proven with this film. What do you want to say about it? This success, because this is a two hero film, a trend which is not so much on the cards. हम ऐसे अक्सर नहीं देखते. What do you want to say about it? Sorry, what was the first part of it? Okay. Something that you said. नहीं, so इनका टाइगर सर का लास्ट फिल्म का डायलॉग था कि दिन तेरा होगा साल मेरा होगा, एंड आपके सुपर 30 का डायलॉग था कि सबसे लंबा छलांग हम ही लगाएंगे. So it seems that has been proven with the film. I guess the next time we say something, you all should trust us. Good one. But what do you want to say about the trend, a two hero trend, जो ऐसे अक्सर हमें देखने नहीं मिलता था, and it has been received so much success, so much love, and you're standing toe to toe with Tiger, and there's so much of love. I think to pull off a two hero film, you really need two people who really have honest and real admiration and love for each other. If not, the director is dead. मर जाएगा आदमी. सो आई थिंक विद टाइगर आई जेन्युइनली फील सो मच लव एंड सो मच एडमिरेशन फॉर द पर्सन ही इज, फॉर द एक्टर ही इज, एंड आई थिंक दैट इज, विदाउट दैट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि बैक टू बैक दो सक्सेस, एक बेहतरीन फिल्म रही सुपर 30 और वार. तो क्या कहना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज ये साल आपका रहा. Thank you very, very much. मैं खुशकिस्मत हूँ that I had films that I was so empowered by. I felt so much love and so much passion for both the films. I guess after this, I feel very, very encouraged. और मेरे ख्याल से from now, I am going to set my benchmark even higher. Question. Neha here from Bollywood now. Hi, right in front. Samne. Ji. Hi. Many congratulations to all you guys. Most deserving success, I would say. Itni zyada mehnat dikh rahi hai screen par. My question is for you, Ritik. Jab aapki film release hoti hai, itne saal ho gaye industry mein, abhi bhi wo nervousness hoti hai, wo shaky feeling hoti hai. Kya karte ho aap jab film release hoti hai? Or you are laid back and you enjoy your samosa? तो कल मैं अपने बिस्तर में था, मैं लेटा हुआ था और मैं आइसक्रीम खा रहा था, और मैंने टाइगर को मैसेज किया कि यार तू क्या कर रहा है. तो टाइगर ने कहा आई एम इन माई बेड हैविंग आइसक्रीम. कैसे यार, आई थिंक वी आर बोथ गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग. लेट अस सेलिब्रेट दिस विथ एवरीबडी tomorrow and eat ice cream on stage. So can we all have some ice cream? Kya baat hai? I'm sorry, I think that was an abstract way to answer your question. We are, I think, extremely happy. Mere khayal se, main ek baar jab apni first copy jab dekh leta hoon. Haan, le aao, sir. Ye kabhi nahi hua hai.
हम लोग दिस इज अ फर्स्ट यू हैव टू ट्रस्ट व्हाट वी आर सेइंग वी आर वी एक्चुअली मीन व्हाट वी आर सेइंग यू नो आई थिंक प्लीज तुम बहुत खुश हो क्या सवाल पूछा है तुमने तुम्हारे सवाल में आइसक्रीम आ गया स्टेज पर एक साल कुछ ना खाने के बाद ओ माय गॉड दिस इज सेलिब्रेशन डांस पार्टनर फाइट पार्टनर स्टेज पार्टनर आइसक्रीम पार्टनर देखो ज्यादातर फीडबैक मुझे जो आ रहा है आई हैवंट हैड दिस केमिस्ट्री विद एनी ऑफ माय पास्ट हीरोइंस आल्सो लव इट या सो यू नो आंसरिंग योर क्वेश्चन द फीलिंग हैज बीन यू नो द सेम थ्रू आउट आई स्टिल कांट बिलीव यू नो यू हैव अचीव्ड वन माइलस्टोन Definitely, definitely, I think, definitely. And I'm blessed that, you know, I got to do my biggest film with my biggest hero. So I couldn't have asked for more. Thank you. That's a beautiful question. We are running out of time, but Ritik, would you agree to the fact that your earlier film and an earlier film like Super 30 also was experienced a stupendous success at box office? Do you agree कि अगली फिल्म जैसे आने वाली होती तो वो उसको हेल्प करती है? Definitely, of course, yeah. That's I felt more encouraged after the success. बहुत ही important success था for me because मेरे जो instincts थे उस picture पे they were very very strong. और अगर वो fail होती तो I would have been a little affected because the most important thing for us in the creative line is to be able to trust our instincts. So when your instincts get the reaffirmed and get strengthened, it really empowers you a lot. So yes. We hear that you are, your dad is getting ready with the next film. So would you like to say something? My dad was born ready. Well. I want to give you a hug. Thank you so much. And everybody who's been here.